आज की हमारी रेसिपी है सेमोलिना फिंगर्स या सूजी फिंगर्स। ये एक ऐसा शानदार नाश्ता है जिसे अगर आपने बनाकर बच्चों को खिला दिया तो बच्चे आपके फैन हो जाएंगे, और अगर आपने इसे किटी पार्टी में बना दिया तो लोग आपसे बिना रेसिपी पूछे नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गेट इंस्पायर्ड व्लॉग्स में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सेमोलिना फिंगर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले एक गहरे पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें पानी डालेंगे। ये मैंने इसमें लगभग 400 ml वाटर डाल दिया है और पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे, बट उससे पहले हम इसमें लगभग 1 tablespoon रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसे मैं थोड़ा मिला देता हूँ पानी के अंदर, तो ये स्पैचुला की मदद से हम इसे थोड़ा पानी में मिला देंगे और उसके बाद हम पानी को गर्म होने देंगे। पानी को बिल्कुल बॉयल नहीं करना है आपको, लेकिन आप इसे तब तक गर्म करिए जब तक इसमें नीचे से आपको बबल्स ना दिखने लगें, और उसके बाद हम इसमें लगभग 200 ग्राम सूजी ऐड कर देंगे। ये सूजी डालने के बाद इसे आप चलाते हुए पकाते रहें, और ये देखिए ये पकना शुरू हो गया है और थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम 4 उबले हुए आलू लेंगे और उन्हें एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो ये मैं आलूओं को कद्दूकस कर लेता हूँ। कभी भी आप कद्दूकस करें तो हमेशा अपने फिंगर्स बचाकर करें। तो ये हमारे आलू कद्दूकस हो गए हैं, और अब हमारा जो सूजी हमने बॉयल किया था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो ये सूजी को मैंने एक बोल में ले लिया है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, और इसके बाद अब हम इसमें जो हमारे कद्दूकस करे हुए आलू हैं उन्हें मिला देंगे। तो ये मैं इसमें कद्दूकस करे हुए आलू डाल देता हूँ। ये डाल दिए मैंने इसमें कद्दूकस करे हुए आलू, इसके बाद आप इसे एक फोर्क की मदद से थोड़ा मिला लें। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। ये मैंने लगभग हाफ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि जब भी हम कोई स्नैक्स खाते हैं तो उसे हम किसी सॉस के साथ खाते हैं तो उसमें भी अपना नमक होता है, तो स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम ही नमक डालें। ये मैंने इसमें नमक मिला दिया है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें बिल्कुल फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को बिल्कुल बारीक काट कर इसमें मिला देंगे। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मैं इन्हें एक फोर्क की मदद से मिक्स कर रहा हूँ, आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं इसे एक फोर्क की मदद से मिक्स कर रहा हूँ। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि इसका एक डो तैयार हो जाए। ये लीजिए जी, हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम अपने फिंगर्स बना लेते हैं। फिंगर्स बनाने के लिए हम अपने हाथों में थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। ये ज़रा सा रिफाइंड ऑयल ले लें आप, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से रब कर लें अपने हथेलियों के ऊपर, और उसके बाद आप डो में से एक बॉल बनाएं। ये देखिए मैं थोड़ा डो उठाता हूँ और इसका एक बॉल बना लेता हूँ, और बॉल बनाने के बाद आप इस तरीके से इसे हाथों की मदद से फिंगर्स का शेप दे दें। ये देखिए ये तैयार हो गया हमारा सेमोलिना फिंगर। ये इसी तरीके से
हम बाकी बचे हुए डो के भी फिंगर्स तैयार कर लेंगे। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये डाल दिया मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। जब ये बिल्कुल गर्म हो जाए हाई फ्लेम पर, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसके बाद हम इसमें अपने फिंगर्स फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इन्हें बिल्कुल पास पास रख कर फ्राई ना करें, नहीं तो ये थोड़े स्टिकी होते हैं तो इनके एक दूसरे में चिपकने के चांसेस होते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा डिस्टेंस पर ही फ्राई करें। और ये देखिए आपके फिंगर्स बिल्कुल तैयार हैं, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बाहर से बिल्कुल क्रिस्प है। और चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। सेमोलिना फिंगर्स या सूजी फिंगर्स को आप एक प्लेट में सर्व करिए। ये देखिए इसे थोड़ा अच्छी तरीके से सर्व कर देते हैं ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। ये देखिए ये हो गए हमारे सेमोलिना फिंगर्स और इन्हें आप सॉस या मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया शानदार नाश्ता बिल्कुल फटाफट बनकर तैयार है। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।